अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ सारा सुपैर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की भिंडी, दही भिंडी, जो कि सिर्फ और सिर्फ दही में बनती है और ये बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चले जी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक अदद पैन और पैन के अंदर मैंने जी भिंडी पहले ही वॉश करके इसको ड्राई कर लिया था और उसको कट कर दिया और जी इसको जो है हम इस ऑयल में डालेंगे। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और जी इसको हम करेंगे फ्राई, पर आपने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, जस्ट आपने इसका कलर चेंज होने तक उसको भूनना है और फिर निकाल देना है। तो जी भिंडी फ्राई हमारी हो चुकी है। यहाँ मैंने ले लिया है एक अदद और पैन और उसमें मैंने जो है वो चॉप किया हुआ अनियन डाला है। मैं 2 नॉर्मल साइज़ के अनियन यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके बड़े साइज़ के हैं तो आप एक यूज़ कर लें। जैसे ही थोड़ा सा आप भुनेंगे प्याज को, उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा डालना है। 5 से 6 अदद ब्लैक पेपर डालिएगा। तो जी ब्लैक पेपर डालने के बाद जी हम डालेंगे यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट। और आप लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून डाला है, साथ ही मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें डाली है मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून, 1 ही टीस्पून मैं इसमें रेड पेपर डालूंगी। और जी इसके बाद मैं इसको करूँगी थोड़ा सा मिक्स और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। तो जी पानी डालने के बाद जो है वो आपने इसको थोड़ा सा भुनना है और पानी देखें ख़त्म हो गया और मसाला जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है और कलर भी हमारा मसाले का थोड़ा चेंज हो गया है। जब ये थोड़ा ऑयल आ जाएगा तो इस फॉर्म में आके जो है हम योगर्ट डाल देंगे। यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 2.5 या 3 मेजरिंग कप योगर्ट ली है और उसको मैं जी इसमें कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से मिक्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, नमक जो है वो हमने नहीं डाला था, वो आपने इस टाइम पे आके नमक डालना है, इससे पहले इसमें नमक को यूज़ नहीं करना है। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, एज़ पर योर टेस्ट आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और जी उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको हल्की आंच में भुनेंगे और उसके बाद जी हम जो फ्राई की हुई हमारी भिंडी थी वो हम डाल देंगे और इसको हम रख देंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए। हल्की आंच पे आप 10 मिनट्स के लिए जब इसको रखेंगे तो जी जैसे ही 10 मिनट्स कंप्लीट हुआ है और ये देखें बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है वो रेडी हो चुकी है हमारी भिंडी योगर्ट के साथ। और ये बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है जी। अब आप इसको जो है वो एक डोंगे में निकाल दीजिए और ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़े की ये बनी थी। मैं आप सबको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इस रेसिपी को एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जी अब आप इसको नान के साथ या फिर चपाती के साथ, नहीं तो बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।